अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ शहा मैं दुबई। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ शाम के टाइम से। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिनर की तैयारी कर दी है। तो डिनर में आज हम लोग बनाएंगे अंडे की बिरयानी। तो उसके लिए यहाँ पर अंडा बॉयल होने के लिए हम लोगों ने रख दिया है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, तो उसके थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए हैं। तो ये देखिए, ये सारे बर्तन जो है निकले हुए हैं। तो ये सब अभी हम लोग जो है वॉश करेंगे। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर खाना बचा है। ये सुबह में हम लोगों ने बाहर से चिकन लॉलीपॉप मंगाया हुआ था, तो उसकी एक पीस जो है वो बची हुई है। तो इसको भी हम लोग जो है फ्रिज में रखेंगे या फिर देखेंगे खा लेंगे हम लोग। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग जो है फटाफट से सारी डिशेस को वॉश करते हैं ताकि किचन जो है थोड़ा क्लीन हो जाए। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पर कैमरे को मैंने ट्राईपॉड में फ़िक्स कर दिया है। अभी हम लोग जो है फटाफट से सारी डिशेस वॉश कर लेंगे। अच्छा, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डेली व्लॉग्स देखने को मिले। अच्छा, तो सारे डिशेस मैंने वॉश कर दी है। और ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो है मदरसे मतलब कुरान कहाँ पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग जो है मस्जिद में जाते थे कुरान पढ़ने के लिए। हम लोग के घर के पास में एक मस्जिद थी, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग पढ़ाते थे। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो क्या कहते हैं इमिरेट्स आईडी चाहिए होता था। तो अगर खाली आप वो कार्ड दिखा देंगे इमिरेट्स आईडी का, तो उसमें वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुरान पढ़ा देंगे। लेकिन अभी कुछ दिन से हम लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पर, तो उसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और यूए की कॉलेज फ़ीस का भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो उसकी भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बताऊंगी बनाकर। तो ये सारी जो डिशेस हमारी वॉश हुई है, इसको हम लोग जो है फटाफट से स्टैंड पर अपनी अपनी जगह पर रखते हैं और चलते हैं हॉल में और देखते हैं हॉल में क्या चल रहा है। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं हॉल में, और हॉल की जो है आज पूरी साफ़ सफ़ाई होनी है। तो फ्लोर पूरा जो है वो क्लीन होगा। फिर उसके बाद हम लोग आज सोफ़े को भी वैक्यूम क्लीनर से पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। तो हाँ, तो हम लोगों ने ना ये सोफ़े के लिए कवर चाहिए था हम लोगों को। तो हम लोगों ने जो है डे टू डे में एवरीडे में बहुत सारे जो गिफ्ट सेंटर होते हैं वहाँ पर ढूंढा, ऑनलाइन ढूंढा हम लोगों ने, लेकिन इसका जो है कवर हमें जो है मिला नहीं। ये 5 सीटर सोफ़ा है, तो इसका कवर हम लोगों को मिला नहीं। तो हम लोगों ने सोचा ये जो बेडशीट टाइप का मतलब बेडशीट टाइप की जो वो चादर होती है वो हम लोग लेकर आएंगे। तो वो हम लोग 2 लेकर आए हैं, तो उसको जो है हम लोग इसके ऊपर पूरा कवर करेंगे सोफ़े को उससे। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है सोफ़े को हम लोग अच्छे से पूरा क्लीन कर लेंगे। अच्छा, तो बहुत लोगों ने कमेंट करके हम लोगों से पूछा था कि आप लोग मतलब कहाँ से हैं। तो हम लोग जो है इंडिया से हैं, मुंबई से। और अभी यहाँ तो हम लोग जो है शारजा में रहते हैं। अच्छा, तो ये देखिए सोफ़ा जो है वो क्लीन हो रहा है। तो ना इसका सोफ़े के लिए जो है क्लीनिंग के लिए एक छोटा वाला ब्रश भी इसके साथ मिला था वैक्यूम क्लीनर के साथ, लेकिन अभी टाइम पे वो जो है मिल नहीं रहा है हम लोगों को। तो हम लोग ऐसे ही पाइप से इसको क्लीन कर रहे हैं। और सोफ़े को क्लीन करने के बाद फ्लोर की भी हम लोगों ने वैक्यूम क्लीनर से सफ़ाई कर दी है। तो ये देखिए सोफ़ा और फ्लोर जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। फ्लोर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, अभी हम लोगों को जो है मॉप से पोछा भी लगाना है। और ये देखिए साथ ही साथ डिनर का भी टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग खाना भी बनाएंगे। और ये कशफ और सैफुल्ला को हम लोगों ने ये 2 ड्राइंग के बोर्ड दिलाए थे, तो ये लोग जो है इस पर इसको लेके बैठ गए खेलने के लिए। और अभी हम लोग जो है मॉप लेकर आ गए थे, अभी हम लोग फटाफट से पूरे घर में मॉप घुमा लेंगे। अच्छा, तो फ्लोर को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने कालीन बिछा दी, तो कालीन को भी अभी हम लोग जो है वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करेंगे, क्योंकि कालीन को भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्लीन किए हुए, तो वही हम लोग जो है वैक्यूम क्लीनर घुमा लेंगे इसके ऊपर। हॉल की साफ़ सफ़ाई हो गई थी, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंडा भी जो है हमारा बॉयल हो गया है। तो अभी हम लोग फटाफट से जो है डिनर की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और जो अंडे का जो छिलका होता है उसको फटाफट से पील कर लेते हैं।
तो अभी जो है मेरा काम ख़त्म हो गया है और आज हम लोग ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग बनाने वाले हैं अंडे की बिरयानी। अच्छा, तो कालीन की भी सफाई हो गई थी, फ्लोर की भी सफाई हो गई थी और सोफ़ा भी हम लोगों ने क्लीन कर लिया था। तो अब हम लोग जो है सोफ़े को इससे कवर करते। तो ये वाली बेडशीट की मैं बात कर रही थी, ये हम लोग जो है एक लेकर आए थे 20 dirhams की एवरीडे से। तो ये हम लोग टोटल 2 चादर लेकर आए हैं। इसको पहले हम लोग पूरे सोफ़े को इससे कवर करेंगे और सुई धागे से इसको, इसके जो कॉर्नर्स है उसको सिल देंगे ताकि ये बार बार निकले ना। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पर जो है अपना पिटारा लेकर बैठ गई थी। अभी मैं जो है ब्रेसलेट्स बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन में पिंटरेस्ट ऑन किया हुआ था, इस पर मैं जो है कलर के कॉम्बिनेशन के लिए आइडियाज़ वगैरह ले रही थी। तो ये मुझे एक बुके दिखा था फ्लावर का और इसमें जो है कलर्स बहुत ही प्रीटी प्रीटी थे। तो मैंने सोचा अगर हम लोग ये ऐसे कलर्स के कॉम्बिनेशन करके बनाएं तो कितना प्यारा लगेगा। खाली कलर कॉम्बिनेशन के आइडियाज़ देखती हूँ पिंटरेस्ट पे, से बनाती हूँ अपने ओन से। अभी मैंने ये ब्लू कलर का एक ब्रेसलेट बनाया हुआ था, इसकी मैंने डिज़ाइन चेक की थी लेकिन बाकी डिज़ाइन बाकी की जो है अपने ओन से मैंने इसमें लगाई थी। तो ये ब्लू कलर का एक ब्रेसलेट है, ये भी बहुत जल्दी मैं डालूँगी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है स्पार्कल्स बाय शहामा। अगर अभी तक आपने मेरे वो पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। उस पर मैं ये सारी डिज़ाइंस डालती हूँ, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह, की चेन, नेकलेसेस, ये सारी चीज़ें जो बीडेड ज्वेलरीज होती है वो सब। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। और ये मैंने एक चेरी रिंग भी बनाई थी, ये देखें। तो अभी मैं जो है यहाँ पर ब्रेसलेट्स बनाऊँगी उसकी। तो ब्रेसलेट्स वगैरह मैंने बना लिए थे, अब जो है मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी केक खाएंगे, ये चॉकलेट केक है, ये हम लोग कल लेकर आए थे, ऐसे ही दिल चाह रहा था केक खाने का तो हम लोग ये लेकर आए थे। तो ये अभी हम लोग जो है खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर अब जो है डिनर की तैयारी हो रही है। तो ये हम लोगों ने एक बड़ा सा पॉट ले लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं और इसमें अभी हम लोग जो है आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें अंडा भी फ्राई करेंगे। अच्छा, तो इसकी मैंने एकदम कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं शूट की, आधी रेसिपी शूट की आधी अधूरी। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, इसकी मैं जो है फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए ये जो है ये एक छोटा सा किचन गैजेट है, ये मतलब एक स्ट्रेनर की तरह है। इसके अंदर जो है हम लोग सारे अखे गरम मसाले डाल सकते हैं और इसके बाद हम लोग जो है इसको इस तरह से पानी में डाल देंगे ताकि जब हम लोग जो है चावल बॉईल करें उसके बाद ये चावल में ना वो हो जाए, अगर फिर मतलब मुंह में आता है जब अखा गरम मसाला तो बहुत अजीब लगता है ना। तो इसलिए जो है हम लोग ये एक स्ट्रेनर लेकर आए थे छोटा सा। तो इसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप लोग चेक कीजिएगा अगर आप लोगों को मंगाना है तो, बहुत सही चीज़ है ये। अच्छा, और अभी ना यहाँ पर जो है जब तक पानी बॉईल होगा चावल के लिए, यहाँ पर जो है हमारे आलू फ्राई हो गए। तो आलू को हम लोग जो है पॉट में से निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग जो है अंडा डाल देंगे। अच्छा, तो अब जो जो फ्राई होना था वो सारी चीज़ें फ्राई हो गई है। और ये जो तेल है ना इसमें से ही थोड़ा सा हम लोग 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे इसमें से और उसको हम लोग पानी में डाल देंगे ताकि हमारे जो चावल है वो एकदम खुले खुले बने। और अब हम लोग इस तेल में डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 medium size की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। तो इसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हम लोगों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, तो जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, अब हम लोग उसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर 2 medium size के हम लोगों ने टमाटर लिए थे, उसको कुछ इस तरह से कट कर लिया था हम लोगों ने और इसको हम लोगों ने प्याज में डाल दिया है। इसको हम लोग अच्छे से गला लेंगे टमाटर को। अच्छा, तो ये देखिए एकदम टेस्टी सा जो डिनर है वो बन के रेडी है। इसकी आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी।
तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।